सबसे पहले बात ये है, अभी कोई भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है और दिल में नफरत लग के नहीं करना है। ये कबूतरबाजी का शौक है, ये प्यार का शौक है। अगर दिल में हम रखेंगे भी उसको नीचा दिखाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, ये ऐसी कबूतरबाजी नहीं है। और कोई भी बंदा जो है, जो वो नियत उसकी साफ होगी, वो खुद ब खुद तरक्की करेगा। सही बात। इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कबूतरबाजी में ब्लड लाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस्ताद थोड़ा कमज़ोर है, उस्ताद थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ब्लड लाइन अच्छी है, वो कवर हो जाता है। अगर उस्ताद बहुत अच्छा है और उसके पास ब्लड लाइन नहीं है तो वो जीरो है। आप पहले ब्लड लाइन का होना कबूतरों के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा नियत साफ लेके चलना है। किसी के हेरा फेरी नहीं करना है, किसी को जानबूझ के उसका कबूतर नहीं काटना है। ये कौन सा कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल के बाद आएगा? हर साल आएगा, सर्दियों में आएगा, गर्मियों में आएगा। नियत साफ होगी आज नहीं तो कल आप जरूर चैंपियन बनोगे। कबूतरबाजी में कोई पक्का चैंपियन नहीं है। आज उस्ताद कोई चैंपियन है, कल कोई चैंपियन है। जिसकी सेटिंग अच्छी है, जिसके पास ब्लड लाइन अच्छी है, वो चैंपियन है। और हर बंदे से बाजियाँ उड़ानी चाहिए, कप उड़ाने चाहिए। अगर आप नहीं वन टू वन उड़ा रहे तो कप उड़ा सकते हो। कोई बंदा होता है भी मैं नहीं वन टू वन उड़ाऊंगा, उसको बोलो चलो आप कप में एंट्री कर लो भी। अपना इसका शौक को बढ़ाना चाहिए और ये नहीं रखना चाहिए भी उसका कबूतर अच्छा वाला आ रहा है उसको गंदा कर दो भी। मैं जीत रहा हूँ, अगर ये बैठा तो मैं हार जाऊँगा, जानबूझ के गलत नहीं करना चाहिए। सही बात। बाकी है, बाकी तो सभी जो मैंने बातें बोली उसमें सारी बात आ गया। आखिर में यही है कि अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है और आपका उस्ताद नहीं भी अच्छा, आपकी जो कबूतर है वो आपके उस्ताद को अच्छा बनाएंगे। सही है। शिगिर्द करो पर शिगिर्द को पूरी तमीज भी सिखाओ। मैंने अभी यूएसए में लास्ट मंथ दो शिगिर्द किए हैं। मैंने उनको सिर्फ वन टू वन एक ही बोला कि तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई तो मेरे से आगे कुछ नहीं, बस ठीक है ना। किसी को तुम गाली, कोई तुम्हें गाली देता भी है उसको बोलो, मेरे को बोलो तुम कि उस्ताद जी ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। पर उसकी वही करने लग गए ना तो वो बोले कौन पहन के उस्ताद तुम्हारा लेगा जिसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। ये उस्तादों को चाहिए मेरे चार शिगिर्द हैं यूएसए में, मैं ज्यादा मेरे को इंडिया से भी ऑफर आई थी उस्ताद जी शिगिर्दी, मैंने बोला नहीं जी थैंक यू मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मैं कर नहीं सकता बाहर बैठ के। कल को कोई बाजी ना जीते वो बोले ये गिरफ्तार ही तुम्हारा मारा, मैंने तो देखा नहीं यार कुकर पकड़ के। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ उस्ताद लोग भी रॉन्ग रोड पे चढ़ रहे हैं और कुछ शिगिर्द लोग भी रॉन्ग। शिगिर्द लोगों को लालच है कबूतरों का, ठीक है, क्योंकि आजकल पहले कबूतर फ्री में देते सारे उस्ताद, आजकल उस्ताद भी टिकल करते हैं, समझते मेरी बात। तो वही है कि वो बोलते हैं उस्ताद कर लेते हैं, रोता उस्ताद फ्री कबूतर ही दे देगा, बस साल में छोड़ देंगे शिगिर्द, ठीक है ना। इसलिए मेरा भी उस्तादों की रिक्वेस्ट है शिगिर्दों को सिखाएं, शिगिर्दों की लेने नहीं लगाए उनको तमीज भी सिखाएं साथ में, समझो मेरी बात। तमीज सही सही, ये नहीं कि मैं 500 शिगिर्द कर लिया और 5 में से 50 को अकल, 4 को आई नहीं। ये उस्तादों की भी ड्यूटी बनती है, हमारी उस्तादों की भी ड्यूटी बनती है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह सिखाएं। जो सीखने वाला स्टूडेंट है वो 100 में से 1 सीख भी जाएगा, जो नहीं सीखने वाला वो नहीं भी सीखेगा, तुम जो मर्जी कर लो। और शिगिर्दों को भी रिक्वेस्ट है, देखो जो बाप की प्रॉब्लम होता है उसका उसकी भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, दूसरे उस्तादों की भी करनी चाहिए इज्जत, ठीक है ना। ये नहीं कि वो उनका उस्ताद है मैं उनको गाली दूँ, अपने उस्ताद को पूजूँ, वो गलत है। मैं तो यही बोलूँगा सबको, ये रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे रिस्पेक्ट करो, वरना आपसे तू तू मैं करके ये कबूतरबाजी खत्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली राणा मुन्ना साहब की वीडियो पाकिस्तान में देखी होगी, देखी थी ना क्या हुआ वहाँ पे। तो ये हमारे भी उस तरफ चल पड़ेगा काम, जिस हिसाब से कबूतरबाजी बढ़ रही है ना अभी पंजाब में, ये पाकिस्तानी हाइट लाई, कल को एक दूसरे के सिर पकड़ने को आ जाएंगे। पर प्लीज रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से शौक करें, प्यार से, कोई दूसरे वाला शौक नहीं है। यही है, यही उस्ताद जी ने बोला, मैंने थोड़ा ऐड किया। थैंक यू सो मच। मैं तो यही बोलूँगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका परमिशन लेके, पूरा दुनिया भर के सामने उठाऊंगा। मेरा पहला सवाल है, इंडिया का वेदर और यूएस का वेदर के बारे में दो शब्द बोलिए। सर जी देखो, इंडिया का तो हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते वेदर के हिसाब से। मैं क्या मांगता हूँ, जब कबूतर मेरे को ब्लू स्काई चाहिए, क्लाउड नहीं चाहिए,
कबूतर शाम को उड़ के ही बैठेगा, मैं पेपर पर लिख के देता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ से डरता हूँ, क्लाउड से। बैरी से कोई नहीं डरता, बैरी एक मार देगी, दो मार देगी, पर ये नहीं कि वो बैरी नौ के नौ ही मार देगी। समझ तो मेरी बात। वहाँ वेदर तीन चीज अमेरिका में बहुत मशहूर है, उसको बोलते हैं 3 W। फर्स्ट W वाइफ, दूसरी W वर्क, तीसरी W वेदर। ये तीनों कभी भी बात सकती है। समझ तो 3 W अमेरिका में बहुत मशहूर है। हाँ जी, बस तीनों चीजें मशहूर है, कभी भी बात सकती है छोड़ के। समझते हो, उसमें वेदर भी है। तुमने सुबह वेदर कल तक, जब मेरी फिरत है ना कल, मैं 3 दिन से आवरली बहुत वेदर मॉनिटर करता हूँ, करता हूँ, जीरो है जीरो। फिर मैं वहाँ उनको जो एसोसिएशन उनको फोन करता हूँ, कल मुझसे मेरे घर पे आ जाए, ठीक है। अब उनका भी दूर नहीं है। तुमने वेदर देख के जीरो वेदर उठाए और 11 बजे बाद बंद हो गए, क्या करोगे? सारी मेहनत जो 2 महीने की मेहनत होगी ना, किट की किट चले। यहाँ पे क्राउड नहीं है, तो यहाँ पे जिसकी गेम अच्छी है ना भाई, शाम ही बैठे। सिर्फ उसी बात, सेम थिंग टेक्सास और कैलिफोर्निया, उनका वेदर भी इंडिया की तरह भाई, वहाँ क्राउड नहीं होता। कैलिफोर्निया में तुम पानी को, ग्रास को पानी लगाते पकड़ेगा ना, टिकट मिलती है। इतने वहाँ पैनिक पानी की चल रही है भाई, शॉर्टेज लगा लो साहब। हमारी ओर तो पानी हमारे घर का है, नल लगा हुआ है, मोटर लगी हुई, कोई है ही नहीं। तो वहाँ स्टेट बाय स्टेट बहुत डिफरेंट है। आई विश कि मैं यहाँ पे कबूतरबाजी करूँगा, अभी संजू भाजी के आगे भाजी की छत पे कहीं ना कहीं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में कबूतरबाजी करने में, साल तीनों की छत पे, साल जी की छत पे, तो पता चल जाएगा। पर मैंने 20 साल में कबूतरबाजी की है भाजी, मैंने 12 साल शगिर्दी की है, 12 साल के बाद मेरे को शादी मिली। सिर्फ मैं नहीं बोलता मैं परफेक्ट कबूतरबाज हूँ, पर नॉट बैड बोल सकता। अगर आप USA में मेरा रैकेट चेक करोगे, अगर 100 शॉट है, 100 शॉट में से नंबर 1 मनजीत सिंह का ही है। मेरी USA में ये कोई चलती है, और वो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि मेरा नाम चलता है कबूतरबाजी में, कैनेडा में, USA में। किसी पाकिस्तान से भी पूछ लेना जाके कि उस्ताद मनजीत USA वाले का। ये नहीं कि मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ, इस वजह से नाम है मेरे घर पे। जैसे इन्होंने ट्रॉफी रखी, 25 ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, और ट्रॉफी को बाय करके नहीं लाता, जो जीतता उसको मिलती है। सही बात है, ठीक है, मेहनत है। पर मेरा जो वैल्यू है वो कई बार यार इतना हो जाता है। उधर का शौक देसी हाई फ्लाई? हाँ जी, ये मैं बचपन से ही पाकिस्तानी हाई फ्लाई का शौक करता हूँ, किसी भी करता हूँ। छतरी वालों को मैंने कभी नहीं मेरे रखे थे, पर मेरे को पसंद नहीं है छतरी वाले, क्योंकि वो हॉक बहुत पड़ता है। पर यही है, यहाँ का वेदर गर्मी, हमारे इतनी गर्मी नहीं, यही है। कितने कबूतर का उड़ान होता है सर? पहले हम लोग बाजी में उड़ाते थे 7 कबूतर, ठीक है जी। फिर वो बोलने लगे कि बैरी ले जाती है बीच में एक, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 कबूतर उड़ाते हैं, बीच में 2 हेल्पर होते हैं, एक शॉर्ट हो जाए, कोई बैरी ले जाए, तो तुम्हें वो एक काउंटिंग कबूतर, काउंटिंग कबूतर मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, रूल होता है कबूतर का कि कबूतर तुम्हारी छत पे आके पाँव लगाएगा तो तुम्हें टाइम मिलेगा। ये जो पाकिस्तान की एसोसिएशन वहाँ बनी हुई है, हमारे पंजाबी लोग हैं कबूतरबाजी, पर बहुत कम है वहाँ। इन्होंने क्या बोला, कबूतर पैदल भी आ जाए उसका भी टाइम लगा जाएगा। समझते हो मेरी बात? इन्होंने खुद ही रूल खराब करने, मैंने जब भी, अभी मैं नेक्स्ट ईयर कब उड़ा रहा हूँ अपना शिकर्दों के साथ अलग से, मेरा रूल वही है भाजी, आएगा बैठेगा टाइम लगा जाएगा। ये नहीं वो शाम को पैदल भी आ जाए तो उसका टाइम मिल जाए, ठीक है जी। एक इन्होंने नया रूल बनाया है कि कबूतर को बैरी ले जाए, मुंसिफ ने देख लिया, उसका टाइम मिल जाए। मैं नहीं मानता रूल भाजी, कबूतर आके तुम्हारे जब तक जाल पर बैठे फिर उसको टाइम मिले। साजी में सही बोल रहा हूँ? सही सही, रूल रूल होना चाहिए वो किसी के लिए भी हो, सही रूल होना चाहिए, रूल रूल सारे फॉलो होना चाहिए। मैं इधर भी बोलता हूँ उधर, पर वो क्या करते हैं कि वो रूल नहीं जी उस्ताद जी, फिर वो झगड़ा हो जाता है, ये हो जाता है। मैं इससे तो फिर पैदल भी आ जाऊँ, क्या लगेगी कबूतरबाजी भाजी, मेहनत क्या करनी 2 महीने? अगर पैदल आने का नाम है शाम को वहाँ से छोड़ दो, पैदल आ जाएगा, पर वो मानते नहीं, ठीक है ना। और आज की डेट में भाई वहाँ बाजी नहीं लगती है भाजी, 1-2 बंदे हैं जो लगाते, पर भाजी वो उनका लैंग्वेज बहुत गंदा है। तो जिसका लैंग्वेज गंदा उससे कबूतरबाजी क्या करोगे तुम? शौक ही नहीं करना, शौक नहीं कर सकता भाजी, वो तुम्हें माँ बहन की गालियाँ दे, ये वो तो ऐसे बंदे के साथ, ये प्यार का शौक है, हम तू तू नजर करते हैं, सबकी होती है भाई, मियाँ बीबी की होती है, कबूतर वालों की होती है, पर वही एंड पे जाके शौक तो होना चाहिए। पर मैंने 20 साल बाजी उड़ाई है, आप किसी से भी कन्फर्म कर सकते हैं, ताम्रन बाग पाकिस्तान का यूट्यूबर है, मेरी बहुत दोस्ती है, ठीक है ना, उनके स्टाफ भी हैं, उनसे मेरी दोस्ती है। पाकिस्तान में अपने मुफ्ती साहब है, मेरी उनसे भी दोस्ती है, बड़े बड़े स्टाफों से मेरी दोस्ती, कोई चक्कर नहीं। पर मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। कोई मेरे पे उंगली उठा ले, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि भाई मैंने ये किया, और मेरे पास बिजनेस है, मैं जो काम करता हूँ लिख के करता हूँ कि कल को तुम्हें बदनाम हो। और कबूतरबाजी ऐसी है, अच्छा शौक चलना चाहिए, प्यार से
सभी सबके घर पे खाना है, सब कुछ है, हम लोग दोस्त करते हैं। ये देखो मैं उस्ताद जी के पास हूँ, मेरे लिए अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हैं उस्ताद जी, एस एच ओ साहब लगे हुए हैं, मेरे लिए छोड़ के आए हैं, सिर्फ कबूतरबाजी के लिए प्यार है। थैंक यू।